दोस्तों, जब भी हम आकाशगंगा में इन लाखों करोड़ों तारों को देखते हैं तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं, क्योंकि हम भी इन्हीं तारों के धूल और बादलों से बने हुए इंसान हैं जो इस ब्रह्मांड के 500 अरब आकाशगंगाओं में से किसी एक आकाशगंगा में रहते हैं। हमारी आकाशगंगा में 100 अरब से भी ज़्यादा तारे हैं और इन्हीं 100 अरब तारों में से हमारा एक अपना तारा है जिसका नाम हमने सूर्य रखा है। और इसी सूर्य का चक्कर लगा रहा एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी है, जहाँ 7.5 अरब मानव रूपी इंसान राज करते हैं, जो आजकल यहाँ परमाणु युद्ध जैसी बातें किया करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका वक्त जाया नहीं करूँगा और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अपने अनंत ब्रह्मांड के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जो शायद आपको नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त रोहित और आप देख रहे हैं यूनिवर्स एडवेंचर। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। ब्रह्मांड में सब कुछ गतिशील है, यानी सब कुछ चल रहा है। हमारी पृथ्वी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर 1,08,000 प्रति घंटे की तेज रफ्तार से लगा रही है और सूर्य भी 7,00,000 की तेज रफ्तार से हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है और हमारी आकाशगंगा भी ब्रह्मांड में 25,00,000 की तेज रफ्तार से घूम रहा है। नंबर 2, एक रिपोर्ट के मुताबिक आज से करीब 3 अरब साल बाद हमारी आकाशगंगा किसी और आकाशगंगा से टकराकर नष्ट हो जाएगी और शायद इसे देखने के लिए हमारे इंसानों की सभ्यता ना रहे। नंबर 3, सूर्य हमारे पृथ्वी से 13,00,000 गुना अधिक बड़ा है, लेकिन ब्रह्मांड में हमारे सूर्य से कई गुना बड़े तारे भी मौजूद हैं। नंबर 4, अंतरिक्ष से चीन की सबसे ऊंची दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं दिखाई देती, लेकिन चीनियों के द्वारा किया हुआ प्रदूषण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नंबर 5, जब आपका टीवी या कोई आवाज़ पैदा करने वाला रिकॉर्डर या म्यूजिक सेट जब नहीं चल रहा होता, तब जो बेकार सी आवाज़ पैदा होती है वो बिग बैंग के तुरंत बाद बनने वाले रेडिएशन का नतीजा है, जो 15 अरब सालों बाद भी ब्रह्मांड में मौजूद है। नंबर 6, कुछ वैज्ञानिकों के रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मांड का एक तारा सन 2029 में पृथ्वी से टकराने वाला है। नंबर 7, सन 1962 में अमेरिका ने स्पेस में हाइड्रोजन बम का एक विस्फोट किया था, जो जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 100 गुना अधिक शक्तिशाली था। नंबर 8, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने खोजा है ब्रह्मांड में तैरता हुआ पानी का सबसे बड़ा महासागर, जो पृथ्वी पर मौजूद पानी से 140 खरब गुना अधिक है। लेकिन दुख की बात यह है कि यह विशाल जल का भंडार हमारी पृथ्वी से 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है और भाप के रूप में कोलोसल ब्लैक होल के समीप मौजूद है। नंबर 9, हमारी पृथ्वी से 700 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर ग्रेट व्हाइट नाम का ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से खाली है। 33 प्रकाश वर्षों में फैला इस जगह पर दूर दूर तक कुछ भी मौजूद नहीं है। नंबर 10, अमेरिका और फ्रांस के खगोल वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 55 कैंक्री नाम का एक ऐसा ग्रह ढूंढा है जो पूरे का पूरा ग्रह हीरे से बना हुआ है। इस ग्रह का आकार हमारे पृथ्वी से 3 गुना अधिक बड़ा है। नंबर 11, हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर स्थित है, जो माउंट एवरेस्ट से कई गुना अधिक बड़ा है। नंबर 12, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा रखे हुए कदमों के निशान आने वाले 10 अरब सालों तक नहीं मिटेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ हवा, पानी, बारिश कुछ भी नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष से गिरने वाले सूक्ष्म रूप के मेटल्स और उल्काओं की वजह से यह निशान धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। नंबर 13, अंतरिक्ष की गंध किसी गर्म धातु या किसी जले हुए मांस की तरह है। यूं तो अंतरिक्ष में किसी तरह का कोई भी वातावरण नहीं है, लेकिन फिर भी एस्ट्रोनॉट्स ने इस तरह की गंध का अनुभव किया है। नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र दुनिया का सबसे कीमती चीजों में से एक है, जो 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। नंबर 16, एंड्रोमेडा आकाशगंगा नंगी आंखों से देखी जाने वाली सबसे दूर स्थित आकाशगंगा है। यह पृथ्वी से 23,09,000 प्रकाश वर्ष दूर है और इसमें लगभग 300 खरब तारे हैं। इसका व्यास 1,80,000 प्रकाश वर्ष है। नंबर 17, अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार हम रात को आकाश में लाखों तारे देखते हैं, लेकिन वो तारे उस जगह नहीं होते बल्कि कहीं और होते हैं। हमें तो उनके द्वारा छोड़ा गया कई लाख प्रकाश साल पहले का प्रकाश दिखाई देता है। नंबर 18, पृथ्वी के वातावरण की वजह से हमारा सूर्य लाल, केसरी या पीला दिखाई देता है,
लेकिन असलियत में हमारा सूर्य सफ़ेद है और अंतरिक्ष में भी यह अपने मूल रंग सफ़ेद में ही दिखाई देता है। नंबर 19, चांद हर साल पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है और कुछ लाखों साल बाद यह पृथ्वी की परिक्रमा करना बंद कर देगा और पृथ्वी के केवल एक ही छोर में चांद दिखाई देगा और शायद पृथ्वी के दूसरे छोर में रहने वाले लोग चांद को ना देख पाए। नंबर 20, ये 6 अरब किलोमीटर दूर से खींचा हुआ हमारे पृथ्वी का फोटो है। ये फोटो वॉयजर 1 नामक स्पेसक्राफ्ट ने खींचा है। दोस्तों, वॉयजर्स के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से देख सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे यूनिवर्स एडवेंचर के चैनल पर नए हैं और आप भी ऐसे विज्ञान और ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यों में रुचि रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियोज़ को बिना रुके देख सकें। फिर मिलूँगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।